हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो फाइनली आज गार्डन एरिया का ब्लॉग आ गया है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं शॉर्ट्स में डाल रही थी कि गार्डन एरिया का ब्लॉग मैं जल्दी लाऊंगी, तो फाइनली आ गया है। तो ये रहा हमारा गार्डन एरिया और इसे हम झोपड़ी कहते हैं। ठीक है, बाहर से जब भी गेस्ट आते हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, और वो देख रहे हो वो सेकंड वाली झोपड़ी, उसमें जब भी हम फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। देखो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इधर ये बाहर वालों का है या घर वालों का है, जहाँ मन वहाँ बैठो यार, अपना ही घर है। और मैं बता दूँ कि ये जितना भी आप ग्रीनरी देख रहे हो ना, जितने भी क्रिएटिविटी आपको दिख रही है, जो वाइब आ रही है, वो सब नाना जी की बदौलत है। नाना जी मेरे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ये सारा उन्हीं का था कि ग्रीनरी कैसे करना है, गमले कितने लगाने हैं। और सिर्फ इस एरिया में 2 से 3 हज़ार गमले होंगे। ठीक है, छोटे से लेके बड़े से लेके मीडियम से। और ये एरिया जो है, जब सब कोई आ जाता है, जैसे मामा लोग तो यहीं रहते हैं, जब हमें आना होता है, जैसे दोनों मौसी आ गए और हम लोग आ गए, तो पूरी फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो यहीं पे इस एरिया पे बैठ के चाय पीते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये झूला हो गया, तो यहाँ भी बैठते हैं। तो रोज़ शाम को 4 बजे हमारा फिक्स रहता है कि रोज़ शाम को 4 बजे हमें उतरना है और गार्डन एरिया में जाना है। ठीक है, बाहर से गार्डनिंग का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये दूसरा रास्ता हो गया अंदर गार्डन में जाने का। ये ऊपर सीढ़ी से निकलते हुए डायरेक्ट हम इधर जा सकते हैं, ये दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता ये रहा, तीसरा रास्ता आप यहाँ से भी जा सकते हो, तो डायरेक्ट आप वही सेकेंड वाले झोपड़े में चले जाओगे। तो ये रहा, और फिर देखो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है ये दूसरी वाली झोपड़ी, और ये गांव का भी व्यू है, उसमें वहाँ भी आपको ले चलते हैं। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, तो चलो अब अंदर ले चलते हैं। तो ये रहा एक व्यू, फिर से पहला वाली झोपड़ी हो रही है, पहली वाली झोपड़ी है वो, फिर ये दूसरी वाली होगी। ठीक है, और अब जो थर्ड पार्ट है इस एरिया का, वहाँ चलते हैं, जो कि गांव की पूरी वाइब देता है। तो ये रहा रास्ता इस पार्ट में जाने का, और इस पार्ट का भी ना पूरा एक नाम है। ठीक है, तो ये इधर हो गया आपका बैठने के लिए, बैठा यहाँ पे आराम से, शाम को सुबह जब भी मन हुआ बैठे। इस एरिया में जब भी खाना बनाने का मन करे तो यहाँ आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये इस घर का भी, इस एरिया का भी एक नाम है, इसका नाम नीमन घर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे खटिया मिल जाएगा आपको, चूल्हा मिल जाएगा, चूल्हे पे देखो बनता है खाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिट्टी चोखा बन जाता है, दाल का दूल्हा बन जाता है, चिकन मटन, जब जो भी बनना होता है ना, जब भी मन करता है चूल्हे पे खाना खाने का, तो यहाँ पे हम बनाते हैं और खाते हैं। और ये कब बनता है, जब पूरी फैमिली इकट्ठा होगी। ठीक है, मामा लोग तो रहते हैं यहाँ पे, हम आ जाते हैं, मासी वगैरह सब कोई आ जाता है, तो हर सैटरडे या हर संडे कुछ ना कुछ स्पेशल यहाँ पे इस एरिया में बनता है, यहीं खाते हैं हम लोग और बातें करते हैं। ये तो फार्म एरिया है, इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुकी है। ठीक है, तो वो जाके ज़रूर देख लेना, सारी सब्जियाँ हैं। तो यहीं पर ये एक एरिया हो गया और ये दूसरा एरिया हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एरिया था, तो चलो अभी अंदर चलते हैं और फिर से दिखाते हैं। देखो ये लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, कि 2 दिन पहले ही ना यहाँ पे पार्टी हुई थी, तो उसी की लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। देखो जब भी पार्टी का सीन होता है ना, तो क्या होता है, चलो मैं पहले ये बता देती हूँ। ये है तेज पत्ता, जो कि हम खाने में डालते हैं, तो जब भी खाना वाना बनाते हैं यहीं से तेज पत्ता तोड़ते हैं और फिर खाने में यहीं पर खाना बनाते हैं। यहीं से तेज पत्ता लिया, सब्ज़ी वगैरह लिया, इसी में डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो अभी 2 दिन पहले पार्टी हुई थी, तो लाइट्स वगैरह ऐसे लगे हुए हैं। ये आम का पेड़ है, तो और ये धनिया वनिया सब यहीं से मिल जाता है। तो ये देखो ये फार्म वाला एरिया है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी। यहाँ पर भुट्टे वगैरह सब होते हैं, तो भुट्टे लिए, यही चूल्हे पर उसको फ्राई किया और खा लेते हैं। तो ये रहा, ये था पूरा व्यू। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि पार्टी का क्या सीन होता है। तो जब भी हमें पार्टी वगैरह करना होता है ना, तो हम इसी एरिया में करते हैं। ठीक है, और यहाँ के हर एक पेड़,
पौधे और पत्ते में ऐसी लाइटिंग होती है कि वैसी लाइटिंग आपको किसी रिसॉर्ट, ना ही किसी आप रिसॉर्ट में देखोगे और ना ही किसी रेस्टोरेंट में आप देखोगे। एकदम वाइब क्रिएट हो जाती है इस पूरे जगह में। और पार्टीज़ की मेरे पास कोई क्लिप नहीं है जो हमने पहले पार्टीज़ की है उसकी, अगर कोई मेरे पास वीडियो होती तो मैं ज़रूर इसमें डाल देती कि कैसा दिखता है उसके बाद। लाइटिंग के बाद यहाँ का व्यू कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो यही था, ये मतलब पूरा व्यू था, एक गार्डन एरिया था। ठीक है, जब भी कुछ होता है फंक्शन वगैरह हम इस पार्ट में करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो जाती है, गाने वाने लाइट्स वाइट्स लगा के, तो एक अलग ही वाइब क्रिएट हो जाता है। तो फाइनली मैंने दिखा दिया आपको पूरा गार्डन व्यू कैसा था कैसा नहीं था। और हमेशा की तरह आज का दिन भी बहुत अच्छा था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, फूल पौधे तो आप देख ही लो, बहुत तरह के फूल भी मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक है, अलग अलग तरीके के फूल हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, नेचर से कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे रहते हैं तो बस वाइब क्रिएट हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, आज का दिन भी अच्छा था हमेशा की तरह। ऐसी जगह रहो, ऐसी जगह रहते हैं तो थोड़ा नेचर फ्रेंडली फील करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही साथ में बने रहना। अभी तो बस एक पार्ट दिखाया है, ऐसे बहुत से पार्ट है जो आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहना, एंजॉय करते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।